तो दोस्तों क्या आपके भी मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नो इंटरनेट लिखा हुआ आता है, यानी कि वाईफाई कनेक्ट होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चलता है। दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है इस प्रॉब्लम का। दोस्तों काफ़ी छोटी ये वीडियो है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम में ज़रूर आएगी, तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखते रहिए। दोस्तों अगर आप भी वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो और नो इंटरनेट लिखा आ रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस वाईफाई नेटवर्क पर। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि सबसे पहले अगर वाईफाई का नेटवर्क कनेक्ट हो और यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉरगेट नेटवर्क कर देंगे। फॉरगेट नेटवर्क यानी कि इसको डिसकनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये करने से पहले आपको जो भी वाईफाई कनेक्ट है आपका उसका पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि फॉरगेट करने के बाद दोबारा पासवर्ड डालना होता है, इसलिए आपको पासवर्ड ध्यान रखना है यहाँ पर से। अब दोबारा से हम यहाँ पर इस वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो आप गाइज, यहाँ पर से कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन फिर भी नो इंटरनेट लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ दोस्तों। अब जैसे कि हमने पासवर्ड भी डालकर देख लिया दोस्तों, यहाँ पर नो इंटरनेट ही लिखा आ रहा है दोस्तों। आपको एक बार वाईफाई को बंद करना है यहाँ से, और फिर एक बार इसको ऑन करना है दोस्तों। ये दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर इससे भी आपको ये नो इंटरनेट वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर इस मोबाइल में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जिस भी मोबाइल का आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो या फिर जो आपका वाईफाई ब्रॉडबैंड होता है दोस्तों, उसको आपको एक बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना है दोस्तों। या फिर अगर किसी मोबाइल का आप हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो, तो उस मोबाइल का हॉटस्पॉट को एक बार ऑन ऑफ कर आपको देखना है दोस्तों। और दूसरी सबसे अहम बात ये है दोस्तों कि जिस भी वाईफाई का या फिर जिस भी मोबाइल का आप हॉटस्पॉट यहाँ पर यूज़ कर रहे हो दोस्तों, उसकी भी नेटवर्क कनेक्शन आपको चेक कर लेनी होगी। कभी कभी क्या होता है कि नेट खत्म ही हो जाता है और हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में।